नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा बस्टर टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप नोटपैड से कैसे गेम बना सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नोटपैड से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस या फिर आप नोटपैड से वेबसाइट वगैरह, गेम वगैरह काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ऐसा ही आज एक यूज़ मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके सामने। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे काफ़ी सारे ग्रीन कलर में जो वर्ड्स हैं या फिर नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस व्यू को बोलते हैं मैट्रिक्स व्यू। ये जनरेट करना मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में नोटपैड से। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड से आप कैसे ये व्यू, मैट्रिक्स व्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या होता है मैट्रिक्स व्यू? क्या दोस्तों, आपने अगर कुछ टाइम पहले अगर कोई मूवी देखी हो मैट्रिक्स नेम से, तो आपने वहाँ पर ये व्यू देखा होगा। तो आपने, हो सकता है अगर मूवी नहीं भी देखी है तो हो सकता है कि आपने पोस्टर में इस तरह का कुछ व्यू देखा हो जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ नंबर्स या फिर कुछ सिंबल्स आपने इस तरीके में देखे होंगे। तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स व्यू। उसी मूवी के नेम पर इसका नाम रख दिया गया है मैट्रिक्स व्यू। तो ये मैट्रिक्स व्यू आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत छोटी सी कोडिंग के द्वारा। अगर आपको कोडिंग करना और सीखना दोनों पसंद है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट कोडिंग का मैं आपको बताने वाला हूँ और इस मैट्रिक्स व्यू के वेरिएशन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन नंबर्स की जगह कुछ और आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपना नाम आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा और वो भी सिर्फ एक नोटपैड के द्वारा कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने पीसी में सबसे पहले ओपन करना होगा नोटपैड। ठीक है, मैंने रन पर जाकर नोटपैड लिखा और मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोडिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पिछले गेम में भी यूज़ करी, इन कोडिंग का नाम होता है बैच कोडिंग। जी हाँ दोस्तों, बैच कोडिंग, क्योंकि इससे जो एप्लीकेशन क्रिएट होती है वो बैच क्रिएट होती है, बैच फाइल्स क्रिएट होती है, यानी कि .bat एक्सटेंशन की। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, लेकिन ये एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ओपन होते हैं जिसमें सभी तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने नोटपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ये मैट्रिक्स कैसे जनरेट की जाती है उसकी कोडिंग। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे @echo ऑफ। अब क्या होता है ये echo? या दोस्तों, जब भी आप कोई बैच प्रोग्राम ओपन करते हैं तो एक कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होता है। कैसा कमांड प्रॉम्प्ट, आइए दिखाता हूँ। रन पर गए, वापस cmd टाइप किया। ठीक है, इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होता है जब भी आप कोई बैच प्रोग्राम ओपन करते हैं, और ये आपकी कुछ प्री डिफाइंड लाइंस हैं जो आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये echo of क्या वर्क करता है। ठीक है, इस कोडिंग का मेन महत्व यही है कि आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो भी लाइन मैं यूज़ करूँगा उसका आप वर्क समझ जाएंगे। तो ये echo of, आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर cmd यानी कि कमांड ओपन किया, तो ये जो लाइन्स हैं ये प्री डिफाइंड ऑटोमेटिकली ओपन होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर echo of का क्या यूज़ है। तो echo of का काम करता है इन लाइन्स को प्रोग्राम में शो नहीं करता, यानी कि आपका जो आउटपुट होगा उसमें ये लाइन्स शो नहीं होंगी, डायरेक्ट आपका आउटपुट ओपन होगा। ठीक है, echo of यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है कलर 02। ठीक है, कलर 02 यानी कि उस पर, उस कमांड प्रॉम्प्ट पर जो टेक्स्ट प्रिंट होगा उसका कलर क्या होगा। यहाँ पर 02 एक कोडिंग है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आप जो देख रहे थे वो 02 ग्रीन कलर का कोड है। 03 कर देंगे तो जो कलर है प्रॉम्प्ट पर प्रिंट होने वाला वो चेंज हो जाएगा, 04 कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। तो कलर 02 अभी हम यहाँ पर ग्रीन रख रहे हैं, वेरिएशन आपको बाद में देखेंगे कोडिंग पूरा होने के बाद। अब अगली लाइन में आपको लिखना है कॉलन स्टार्ट। ठीक है, कॉलन के बाद स्टार्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ से आपका वो टेक्स्ट प्रिंट होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो प्रोग्राम आप कमांड पर करेंगे वो स्टार्ट होगा। वो क्या स्टार्ट होगा, हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे echo, और echo के बाद आपका जो मैसेज है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो स्टार्ट होगा। आइए इसके बाद आप लिखें वो मैसेज। सपोज यहाँ पर हम रैंडम नंबर अगर जनरेट करना चाहते हैं, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको लिखना होगा परसेंटेज का साइन और उसके बाद रैंडम और वापस से परसेंटेज के साइन से आप क्लोज कर दें।
यहाँ पर इको के बाद परसेंटेज रैंडम परसेंटेज लिखने का मतलब है कि यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जो कि एक लाइन में सिर्फ एक नंबर प्रिंट होगा तीन या चार नंबरिंग कीवर्ड का, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे गो टू स्टार्ट, यानी कि ये कोडिंग है वापस से स्टार्ट पर चली गई। गो टू स्टार्ट मतलब वापस से यहाँ पर आ गया और वापस से नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड यहाँ पर या फिर एक रैंडम नंबर यहाँ पर प्रिंट कर देगा। आइए देखते हैं कैसे वर्क करेगा। इसको सेव कर देते हैं, हम फाइल को सेव करेंगे, सेव एज गए। सेव एज करने पर डेस्कटॉप पर, सपोज हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं माई प्रोजेक्ट के नाम से या फिर माई मैट्रिक्स के नाम से इसको सेव कर देते हैं, माई मैट्रिक्स डॉट बी ए टी, mymatrix.bat के नाम से आपको, यानी कि .bat एक्सटेंशन आपको जरूर यूज़ करना है, आप कुछ भी नाम दें उसको, ठीक है। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर आपकी जो फाइल है डेस्कटॉप पर आ चुकी है mymatrix.bat। इसको ओपन कीजिए। आप ओपन करते देखिए यहाँ पर रैंडम नंबर की जो कतार है वो शुरू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर रैंडम नंबर वन नंबर का भी है, थ्री नंबर का भी मिल जाएगा आपको, फोर फाइव, ठीक है। यानी कि रैंडम नंबर जनरेट होने गए हैं यहाँ पर। वापस से आप यहाँ पर स्पेस बार आप दबा देंगे तो वापस से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आइए कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आप देख सकते हैं कोडिंग हमने ये की थी कि कलर टू स्टार्ट इको रैंडम। अब सपोज कि आप चाहते हैं कि आपका कुछ ये ग्रीन ग्रीन भरा हुआ सा है, तो आप एक और रैंडम यहाँ पर लिख दीजिए स्पेस देने के बाद और उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखें अब यहाँ पर क्या गलती हुई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गलती हुई बता सकते हैं। यहाँ पर मेरे से यहाँ पर गलती से हैश टाइप हो गया। आप इसको करें परसेंटेज, ठीक है। अब आप देखें कि वापस से यहाँ पर नंबर शुरू हो गए। ऐसे अगर सपोज आप दो स्पेस देते हैं, तीन स्पेस देते हैं, चार स्पेस देते हैं, तो यहाँ पर वापस से रैंडम लिखे हैं और आप देखिए इतनी ही डिस्टेंस पर वो यहाँ पर प्रिंट होना चालू होगा, ठीक है। आप इसको वापस से लिख दीजिए रैंडम, ये देखें। इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं। आप देखें कि एक के बाद एक आपका जो व्यू है वो बनता जा रहा है। सपोज मैं यहाँ पर कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आप देखें और सेव भी कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखें कि व्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, जैसे मैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट होना चालू हो गया। अब सपोज कि मैं यहाँ पर बीच में कुछ और टेक्स्ट लिख देता हूँ, निखिल शर्मा अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि निखिल शर्मा यहाँ पर आ रहा है प्रिंट होकर, ठीक है। सपोज कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर इस फॉर्मेट में, हो सकता है कि आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कोई विशेज सेंड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और भी इनोवेटिव वे, अगर आप जिसको भेज रहे हैं और आपको अगर कोडिंग करना प्लस सीखना पसंद है और आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल है मैट्रिक्स क्रिएट करने का। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता रहा था यहाँ पर कि इसमें वेरिएशन और आप कैसे कर सकते हैं। अगर सपोज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बैकग्राउंड पर कि यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसका कलर कोड है 02 और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको कलर कोड चेंज करना होगा। सपोज मैं आपको 03 कर देता हूँ तो ये जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन वापस से रन करनी पड़ेगी। इसको क्लोज करेंगे और आपका डेस्कटॉप पर जैसे कि मैंने सेव कर रखा था mymatrix.bat, मैंने इसको वापस से रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर यहाँ पर मेरे पास आ गया है। इसी तरह आप कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 6 किया और वापस से एप्लीकेशन स्टार्ट करी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर यहाँ पर मेरे पास आ गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना आसान है मैट्रिक्स जनरेट करना।
बहुत ही इनोवेटिव वे है। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने लैपटॉप और पीसी में। सिर्फ एक नोटपैड के एक छोटी सी एप्लीकेशन से आप ये वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।